सुना ध्यान से, दोस्त कुदरत का है या जमाने का है, आज कई हालत देख के ए भी लिखना पड़ल के जमाने का दोस्त भाई कुदरत का दोस्त बाप। दोस्त कुदरत का है या जमाने का है, क्या लिखे ये कलम कुछ समझ में न आए। मैं के प्याले में कश्ती डूबी जा रही, अपनी हस्ती बीमार ही स्वयं ही डुबाए। पाप की दरिया धरती व बहने लगी, जिसकी सीमा न मंजिल कहीं पर दिखाए। देख लो जाने कैसा ये जल्लाद है, कि अपने हाथ है जुल्म अपने जन पर दहाए। एक तरज भैया कि हमें तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता। इतना तरज में लेकिन गाना कहला, तीन प्रकार का होला, पानी पर लकीर, बालू पर लकीर, पत्थर पर लकीर। पानी पर लकीर वाला क्षणिक आनंद धून तराना, और हउ जवन की कुल तमुलिनियन कह भरिनियन कह एरिनियन कह, ये पानी पर लकीर होला ए भैया। और बालू पर लकीर होला जवन बात कुछ देर के लिए होले। तमुलिनियन वाली तो सुनला, बल्कि सुनतो को बहु जने के बड़ा बेअंदाज लगल कि भैया इतना पुरान गवैया हो गया, इतना बड़ ये भाई सबके लैकिने के बिना गा तुम सब कुल कुल जाती है पर। अब भाई अब तो इनके इतना ज्ञान हो जाए कि चाहिए कि दुनिया भर के जब सामाजिक बात गाओ तो कुछ अपना सामाजिक बना, सामाजिक बने दुनिया तो तोरे मुँह कुल अच्छा लगे ले। तनि कोई के बिटिया बहन के न कहबा तो करे बिना तोहार कोनो मान सम्मान न बिगड़ी। और मान सम्मान में भी अब कोनो तोरे आँच आवे वाला नहीं बा, जब हान लाभ मान सम्मान ये सब से जब अब इसमें जब वंचित हो जीबा तब असली रूप में अबा तत्व पर आ जा तत्व पर। अरे कुल बहन बिटिया वाली बात छोड़ दे, आनंद वाली चीज कहा धुन तराना ऐसा कहा कि आनंद आ जा तोरे मुँह तो कुल निकल गल। बहन बिटिया वाली कहले से कोनो तोहार मान न बढ़ के हाथ याद रहे के बात गाना के भाबा कि जहाँ जलती हकीकत हो जला दे ऐसी दुनिया को। जलती हकीकत हो जला दे ऐसी दुनिया को। मिटा दे ये सी दुनिया को। जहाँ जलती हकीकत हो जला दे ये सी दुनिया को। जहाँ जलती हकीकत हो जला दे ये सी दुनिया को। जहाँ जलती हकीकत हो जला दे ये सी दुनिया को। जहाँ आदर्श मिटता हो मिटा दे ये सी दुनिया को। लोग कहते हैं कि बद से होता बदनाम बुरा, आज धरती पर सहज हो गया हर काम बुरा। बदलते वातावरण का असर दिखाता है, प्रेम का बीज ही निर्मूल हुआ जाता है। आज के दौर में जलने लगी जब सच्चाई, देहरादून की हकीकत सामने आई। ए भैया वही फकीर चंद युवक एक उन्मादी था, सुघर शीला देवी के साथ किया शादी था। आज के जमाने में दहेज वहेज के तो बात बहुत सुनेला। एक बात ही सुना कि फकीर के नाम के एक नौजवान देहरादून में एक शिला नाम के लड़की शादी के ना बिना दहेज के, कोनो झगड़ा झंझट तकरार ना भल, बड़ा प्रेम से दिन बीतत रहल ता ना भल। कहो चार साल तक शिला के लड़का ना भल तो जन्मे करला ब्याहे के काका साल बीतल तो मेहरारू चाटे जाए इकट्ठा हो लेकिन आपस में बतियावे लगी राय बात कर ली कि बहनी साल भर हो गए फलनिया के कुछ बुझाते नहीं बाप। और चार बजे बीत गल मेहरारू का चर्चा सुन के मुझसे बर्दाश्त नहीं बा, और कहल फकीर चंद से कि सैया एक बात बा कहे का हमके बड़ा दुख बा, डॉक्टर बैठ के देखौलन वो से कुछ फायदा ना भल। डॉक्टर लोग जवाब दे कि इसको बच्चा होने का कोई आसार ही नहीं है। और जा सोखा के देखौलन बड़ा लवंग तोड़ौलन वो से कुछ फायदा ना भयन। तब कहे बाकी सैया एक बात बाई के तरज बदल गई बाप देखा सर।
देखा तनी मजा दे सकना तेरे को के पिछवाड़े गौवा के पिछवाड़े चाँद जब निकले चुप कैसे नदिया के पार चली दुनिया है लेकिन मैं कहीं ओपन बात ना बा गौवा के पिछवाड़े चांद जब निकले चुपके से नदिया के पार चली आई नदिया में पानी नदिया में पानी भरल जब होई अरे नैया पहोई के सवार चली आई लेकिन गाना का भाव कहलन की सैया के बाद भाव का आनंद ले अरे घर अवा अंगनवा लड़का जन बा घरे के आंगन के गोदी के उजियार बा त घर अवा अंगनवा जरल नाही दियना घर अवा अंगनवा जरल नाही दियना अरे सासुर नगरिया ये तोर नाही अरे दिनवा महीनावा बरिस चार बीतल दिनवा महीनावा बरिस चार बीतल अगोदिया हमारी कौन उपाय करा कर रहे भाई जोन भगवान कहते बा मैं हम का कर सकेला कहने की एक काम कर सकेला सरकार कहे का तेरा जो बाप हर नदिया कहा महली कहा वोहे लोल वो आपत में परान वो कैसे भैया हम बहुत साधुन ऐसा निकले ले कि छोटका बड़का बिरहिया जनून बड़ा बुद्धिमान बोला
छोट हम वही में है, हम कोनो बहरे ना हम वही में है, वही बुधे में है हूँ। दुनिया खाली सुने में निक लगे लेकिन एक अर्थ हवे ना मिले कि नदिया कहवा हेली कहवा हेलान बा, मतलब कह के भी हलल ना भी टकटोर दे कहाँ से हेली, नदिया कहवा हेली कहवा हेलान बा, भाई झूला ही बात अबले आफत में परान बा। कल हो ही कुछ भाई कोनो मतलब पाएगा नहीं, बिरहिया होला बड़ा चलाक ए भैया। अब हमें के ढूंढत है कोनो बिरहिया एकर अर्थ ना बतावत में, खाली हमें के ढूंढ रहा है, हमारे समझ में ना आवत बाप। तो बात आगे सामने, अरे सैया एक गो सैया बाबू के यो सुबह गोदिया मोर उदास करी तब हम कहे एक काम कह दा, कुल को हो वे ना बर्बादी बलि को कह दा दूसर शादी, अरे कोठिया लगल अगिनिया जोरत पियो सुबह। सही है मालिक ये तरह देखा बात आगे सामने, कहला कि सही अपन दूसर ब्याह कला, कहला रे का कहत हो अपने पर शबद बुलाओ तू, कहला कि शबद हम बुलाओ थी जरूर लेकिन ऐसा मेहरारू से ब्याह तोर कराए कि हमारे पर सवत न रही, कह संसार में ऐसा कौन औरत बा जो हमसे ब्याह करे तोहार सवत न रही। कहने की हाँ एक औरत यार हमके बड़ा मानी और ओकरे लड़का हुई तो अपन ममता मिटाले ऐसा कौन औरत बा, कह हमारे छोटी बहन सविता से शादी तोहार हो जाई हन तो तोहरो कुल खानदान चली हमरो मनता पूर्ण हुई हन। कहने की हमारे छोटी बहन सविता बा उसे तोहार शादी करा दे सही, अपने माई बाप के भी बिटिया है बहनिया हमके बड़ा माने ले, हमारे पर उस सवत न रही वो करे बाल बच्चा हुई है तो अपन ममता मिटा ले। जब छोटी बहनिया का नाम सुन लन कहना कि ओ बहनिया तक चोखा है बाप ब्याह हो जा तो ठीक रहल है, ऊपर से ना ही नहीं कर दो भीतर से हाँ हाँ कर दू, मनवा में अब सोचते हुए कि हो जा तो ठीक रहल। कहना देखा हमार मन तो ना है तुहार मन हो तो जा अपने बाप मतारी से पूछ लो लोग मान जा तो जाना हम मन ल राय बात सप्ताह करके सिलाई अपने नैहर अली आई अपने छोटी बहन से शादी अपने पिया का तय कैली अली अपने नैहर में बाप मतारी समस्या रख दिली यार छोटी बहन के शादी मेरे दुल्हा से हो जात तो हमारे संसार में दुख हो राजत ने हमके बड़ा मेहना बा। बाप मतारी आपस में राय कैलन की शादी लड़की कहीं कर ही कोई ए सदिया में दो फायदा बा, एक तो लड़की कहीं शादी खोजे के न पड़े बड़ा सस्ते ब्याह हो जाए बेपैसा में और दूसरे मेरे बड़ी बिटिया के दुखो कट जाए। सब लोग मंजूर कर गए लेकिन छोटी बहन सविता कहती है कि रे माँ ये रिश्ता नहीं होगा। कहे काहे बिटिया तो बताओ तरह बदल गई बात, तरह जो है बाप कि अजूरी में भारी भारी मोतिया लुटाई जी, अंगना में मोती एक चौका पुराई जी, अरे भारी भारी आस बोली छोटकी बहिनिया हो कैसे अपने बहिनी के बन बसावतिनिया हो, कैसे अपने बहिनी का बन बसावतिनिया हो, कैसे अपने दागी लागी जाई टूटी नातक रसारिया नहीं आसन ही आके दसी है नगिनिया हो, कैसे अपने बहिनी के बन बसवतिनिया। सही हो माई शादी ना हुई जे दिन ओकरे दुल्हा से हमार शादी हुई ओकरे छाती बजर गिर जाई, अब यो के अंदाजा ना लगत बा जब का दुल्हा हमके बेसी माने लगी वो दिनों के पता चली। ए लिए ए बात के तू मंजूर मत करिहा, पढ़ल लिखल ना होके समझ में ना आवत बा, हम पढ़ल लिखल लड़की हमके सब अंदाजा मिलत बा। माई बड़ा चिंता में बा जे बड़ी बिटिया के बात मानी के छोटी बिटिया के, ओकरे सामने एक समस्या आ गई लेकिन बड़ी बहनिया जाके कहलत के रे बहनी सोचली कि समाज में दुनिया के दुख दुनिया बांटेला
इंसान का दुख इंसान बटल, लेकिन केहू का दुख क्यों ना बटल, जेकरे भाग में जो लिखल बा तुम भोग के बाप। कहला रे बहनिया, तोरे भलाई बदे के हम इनकार कैली, लेकिन तू हमके मेहना मार थे, लेकिन कैसे कहे। अरे बहिन काहे मेहना मार के मार दिहल हो, बहिन काहे मेहना मार के मार दिहल हो, बहिन काहे मेहना मार के तेरे बहनिया। तोर बदे जान निछावर बा, मेहना मत मार। जवन दिल चाहे उहे कई नावा, जहां चाहे हमारा के सदिया रचावा। आगे कर जवा में बार दिहल हो, बहनी काहे मेहना मार के मार दिहल हो, बहनी काहे इच्छा हमार शादी रचा के अपन दुख मिटा ल। बड़ी बहनिया जब इतना सुन ले बा, ए भैया तो संसार में कहले कि जवन कौनो औरत ना कर ले वही वो करत बाप। केहू औरत अपने दुल्हा के संगे दूसरे औरत बर्दाश्त ना कर ले, लेकिन ये अपने हाथ मेहंदी रचा, अपने हाथ चुनरी प्यारी सजावत बाप, लेकिन अपने हाथ गांठ जोड़ावत बाप। भाव का आनंद बात तरह जो है बाप। कहतानी भारत कह जन नवारे सजनमा हमार बलहरी, अपने ही सैया के सजरिया रे चुनरिया सजावे लगल बही। अपने ही सैया के सजरिया रे चुनरिया सजावे लगल बही। अपने ही सैया के सजरिया रे चुनरिया सजावे लगल बही। अरे कंगना कलाई सजल मेहदी प्यारी, विदाओ के नैहरे से चलली दुलरिया, लेके अली अपने बखरिया रे चुनरिया सजावे लगल बही। विदाई करा लेलिन तो लिखे के पड़े के बात, एक माई बाप के दुई बिटिया दोनों के का मिलल, दोनों के जीवन में कितना समागम रहल, कि एक मात पिता एक नैहर एक ससुरवा, अरे सेनहुरवा एक दोनों के मिलल। एक मात पिता एक नैहर एक ससुरवा, सेनहुरवा एक दोनों के मिलल। एक मात पिता एक नैहर एक ससुरवा, सेनहुरवा एक दोनों के मिलल। बहुत मिली है लेकिन मिली नहीं ऐसन व्यवहार। एक पति संग एक थाली में खा पिए जिए ससुराल। इसी तरह से कुछ दिन बीतल लीला तब कैलन कतार, और सविता की गोदी में सुंदर खिलल फूल एक प्रेम पसार। सविता के छोटी बहनिया के एक लड़का पैदा भल। बड़ी बहन के देवे लगल की बहनी ये लड़का लेला, जौने दिन बदे हमार ब्याह करौलू उ दिनवा आ गल। शीला जब गोदी में बच्चा पोले बा, ओकरे खुशी का ठिकाना नहीं बा। एक तरज बाप, अरे दुल्ही के दुल्हा बड़ा पतरे दुबर लन जाए के मिलिट्री में भर्ती होगी लग। ओकर सखी कर कारे सुनत एक लकड़हवा मिलिट्री में चल गया, कहे के हम जाए देव तब न जाई हन। अरे हमारे बलमुआ का पातर कमर पलटनिया में जाए नहीं देव, पलटनिया में जाए नहीं देव। तारी का पूजल सपनवा अंगनवा में खेल नंदलाल, तारी का पूजल सपनवा अंगनवा में खेल नंदलाल।
इसमें चार संतान भइल है, बेटी अब बेटा का सपना पूजल है, अतबले शराब हो गइल है सजनवा अंगनवा में खेल में चार बच्चा, तीन लड़का एक लड़की और बड़ा चैन से जिंदगी बीतत रहल। लेकिन जब दू मेहरारू हो गईली तो फकीर चंद तनी सौखिन्नी में आ गेलन। सौखिन्नी में आके तनी लगलन का पौआ लगावे, एक पौआ से आधा बोतल, आधा बोतल से पूरा बोतल साफ करे लगलन। शुरू कैलन से अंग्रेजी से, विस्की बारंडी से, बीच में ठर्रा चले लगल, आखिर में आके लगलन पाकिट वाला पाउच पिए लगल। जेबा में जाके घूमे लगल सत्तर जेबा उहे बाप। अरे ससुर न जइबा नैहर, ससुर न रहबा नैहर, जइबा जरूर हो मिलल बसराबी सैया नसवा में चूर हो रे, मिलल बसराबी सैया नसवा में चूर हो रे, मिलल बसराबी सैया नसवा में चूर हो रे, मिलल बसराबी सैया। दुई दुई दुल्हानी आके पिया साउखीन हो, मनवा भुलावे लागल पनिया रंगीन हो रे, मनवा भुलावे लागल पनिया रंगीन हो रे, मनवा भुलावे लागल पनिया रंगीन हो रे, मनवा भुलावे लागल। अरे पिया या पियावे घर के सुधिया भुलायल, एक दिन धारा वही में बोतल खोलायल, भैली गमगीन हो मनवा भुलावे लागल पनिया रंगीन। सही हो ए भैया, नतीजा ही निकलल की छाने फूके के रोज के लत पड़ गई, घर गृहस्थी के चिंता छोड़ दिलन। अब वही दारू के चक्कर में कैसे व्यवस्था होई, अब घरे का व्यवस्था भुला गेलन। एक दिन बाहर का कोटा पूरा हो गया, कुछ ओवर हो गए एक बोतल, तो वो बोतल के लेने ले घरे भरले भराव धर दिलन। और सवेरे सवेरे उठलन न कीचर पोछलन न मुंह धोलन, बोतलिया निकाल के रख दिलन, टेबल एक पेग लगौलन, आवाज दिलन अरे सिला जरा नगिन है कलश की, अरे देखते रहे बहनवा नमकीन खोजत बा, छोटकी गई देखलस कलश के, अरे बहनी अपनो जिंदगी बर्बाद करू हमरो, बड़ा लड़कन बदल चोखा लू चटे लड़का हो गईलन, एनहन कब खर्चा पानी कैसे चली। उ तो शराब पियत बा सबेर में नमकीन खोजत बा, कलत घबड़ो जिनी दुखवा हम बटोरली तो हम ही खत्म कर दे। आई कमरा में सिला और कहती है कि घर में शराब खाना नहीं चलेगा। कलन तू क्या कर सकती है औरत की जात की है, मतलब कहे के कलन की मर्द को रोकने वाली तू कौन है औरत की जात। मर्दे के पास इतना पावर है, सामाजिक सच्चाई है, मर्दे के पास इतना पावर है कि चाहे जितना नजायज कर दे, औरत के पास इतना पावर ना हो कि वो मने भी कर सके। गलती कहले पर यो ना कर सकत कि बेजा करत हुआ मान जा, ये कहे को पहले पावर है ना हो, और मर्दे के पहले इतना पावर चाहे जितना नजायज कर जाए, ये सामाजिक सच्चाई है। औरत मर्द के लोग कहलन की बराबर का हिस्सेदार बा, अर्धांगिनी बा। पंडित जी ब्याह करो तो कहले आधे का मालिक हो गई, घरवा जा जट कहल कि पैर के जूती हो गई। ए भैया तो कहल कि पीने वाले कहते हैं कि शराब से गम मिट जाए, अब महफिल पार्टी सावन फागुन के रंग में रंगत लाए। आज के जमाने में जो महफिल में शराब न चली महफिल उदास हो जाएगी। लेकिन हमार कहना हो मगर जहर से बुरी भयंकर, शराब आग जब भड़काए अपनों से दूर गैरों के पास खून कतल भी करवाए। काबू में रहे तो ठीक ही है, गर बेकाबू में हो जाए तब ईश्वर ही उसका भला करे, इज्जत बेइज्जत करना है।
हमसे धीरे से बताइए तुम के दोनों ठान ले सीला सविता दोनों लहली ठानी पानी बोतल के और घर के भीतर चली नहीं मनमानी पानी बोतल के मानी डॉक्टर है तबले सविता ना ना टेबल से शराब की बोतल सीला चली उठाई हो खुराक में लग बाधा पापी फकीर चल गुस्से आई हो उठा लिया पिस्तौल करत नादानी पानी बोतल के अब मारा सीला के सीने पर तानी पानी बोतल के शराब की बोतल पटक देती है बोतल चूर हो गई शराब कमरा में बिखर गई तो शराबी आदमी जन पक्का शराबी हो उनके सामने एक बोतल शराब रख लो एक पैग लगा के मूड बनावत हो अब तब तो अगर बोतलिए फोड़ दे क्यों जब बाप जब बोतल खुल जाती है उसके सामने कोई रिश्ता नहीं रहता शराबी के आगे कोई रिश्ता नहीं बोतल से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है न माई न बाप न भाई न बंद न बेटी न बेटा न लड़का क्यों ना ए भैया उठा लिया पिस्तौल कहा औरत की जात कितना हिम्मत के मर्द के खुराक में बाधा डाल दिया जब पिस्तौल निकल ले बा छोटकी बहनिया देखल बा कि बहनी के दुख काटे लिए हमारे अग में मर जाले तो तबले सविता बहन के आगे आ गई घबर आई हो और गोली लागल जमी के ऊपर गिर गई बाहर आई हो अरे खून चलत बस बोली अंतिम पानी पानी बोतल के कि तुहरे हाथ है बचवन के जिन गानी पानी बोतल के मरलस गोली जब छुटकी आगे आगे लगे के बड़की के लग गए छुटकी के गिर गई खून चलत बस जमीन पर आज तब तक से बड़ी बहन गोद में भर लेती है कि बहनी बड़ा बुरा हो गल कल बड़ा बढ़िया भैल अरे तो के लैका ना रहलन लैकन बदे के हमार ब्याह करवलू तो तोरे चार ठे लैका हो गेल अपन दिन गुजार लिया हमार तो ड्यूटी खत्म हो गेल हम जात है दुनिया से कहलत कि बड़ी चूक हो गेल संसार में अरे पहले जना मावा के चूक हो गई बहनी पहले जना मावा के चूक हो गई बहनी पहले जना मावा के चूक हो गई बहनी अरे नारी के जना मावा मिलला संसार पहली चूक भइल के संसार में औरत का जन्म मिलल और दूसर चूक हो गईली गोदिया का ममता है बहनी हमारे करण हो गईली जिंदगी तुहारा अरे हम ही पपिनी आके आई ना मऊतिया है बहनी हम ही पपिनी आके आई ना मऊतिया है बहनी हम ही पपिनी आके आई ना मऊतिया है बहनी माई के पास रोवे बच्चा बच्ची घर लड़कवा डेरा लगल इधर उधर लुका लगल और तब तक से ए भैया सिला कहती है कि अच्छा काम ना केला सही है हमके मार देता हमारे जिंदगी में कुछ ना रहा लेकिन हमारे बहन के मार के लड़कन के बिना माई का दहला बोले तो ही के तो मारे के तो धोखा में मर गई अरे लेकिन तरा भी आना बुझला मरमिया भैया गोली पीस तो लिया फिर हालत मारा तड़ाक 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 दोनों की लाश जमीन पर पड़ जाती है और सामने होटल वाला गोली की आवाज पर फोन कर दिया हल्ला भया ला जानी दैल साबल गवाए भैया अरे पाई के खबरिया आए हथानेदार पुलिस घर घेर लेती है दरवाजा तोड़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं ए भैया बड़ा बेटा मनीष दरोगा जी पूछ रहे कि बेटा क्या हुआ दरोगा के छाती से मानी गला पटाई ले भैया अरे माई के बाबू देहले बोलिया के मार लड़कवा बयान दरस की बाबूजी दोनों माई के गोली से मार दलन ए भैया तक खूनवा से लजपत दोनों बहिनी कलसिया भैया साथे फकीर चंद भैले गिरफ्तार खून से लथपथ दोनों बहन की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है अरे रंगे हाथ पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हो गए जब लाश पोस्टमार्टम से लवट के आई लहल और कफन में लपेट के रखल बा और तब तक माई बाप जब पता लगल वो आ गेल
लड़का ना ना दूठे बिटिया नहीं दोनों मर गई आइलन जब यहाँ एक बात कहे के मिलल कि एक का मात पिता एक नैहर एक ससुरवा सिनुरवा एक का दोनों के मिलल दोनों की जिंदगी में कितना समागम रहल कि एक का मात पिता एक नैहर एक ससुरवा सिनुरवा एक का दोनों के मिलल या और का मिलल रोवे चारो बचवा बहिले असिया अदुनो बहिनी का संगवे उठल बलसिया खबर खबर पाई के माई बाबा दुखी जिगर से अइले हो नाती और नातिन के अपने साथे में ले गइले हो कैले अंतिम क्रिया दाह फाटइले छतिया दोनों बहिनी के संग में उठल बालसिया नसवा शराब के खराब बाटी भाई नसवा में हसत खेलत गिरस्ती नसाई अरे ढंका जहलवा में सत्य नसिया दोनों बहिनी का संग में उठल बालसिया के गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलहार गुणकारी स्वर्ग से चंडिकांग भी बचन जी बने पुजारी सिनुरवा एक दोनों के मिलल प्रेमी राम देव निध बाटे प्रेम बहुरवा सिनुरवा